स्टार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इजी है, वेरी इजी। इसको हम कंपेयर करते हुए जाएंगे किससे, अल्कीन से, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सेकेंड नंबर की केमिकल प्रॉपर्टी है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन मतलब कौन, एडिशन ऑफ Cl2, एडिशन ऑफ Br2, एडिशन ऑफ I2। जनरली फ्लोरीन नहीं आता है तो Cl2, Br2, I2, जिसमें भी आपको ज्यादा एग्जाम्पल Cl2 के मिलेंगे। ओके आपको याद है अल्कीन में हम ऐड करते थे, आपने लिया अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपने इसमें ऐड किया Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। याद आया, एक Cl जाएगा इधर, दूसरा Cl जाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा CH2Cl, CH2Cl मतलब विसिनल क्लोराइड। याद है आपको विसिनल एंड जेमिनल, याद है क्या, सेम कार्बन पे आया तो जेमिनल और आजू बाजू आया तो विसिनल। इसको हम नाम देते हैं इथिलीन डाइक्लोराइड। क्या बोलेंगे आप इसको, इथिलीन डाइक्लोराइड। ओके चलो एग्जाम्पल नंबर वन, इथीन से बन गया इथिलीन डाइक्लोराइड। अब आईयूपीएसी नेम देना चाहे तो क्या देंगे आप इसको, 1 2 1 पे क्लोरो, 2 पर क्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो इथेन, 1 2 डाइक्लोरो इथेन। चलो चलो अब एग्जाम्पल नहीं बोलेंगे ना अपन इसको, ये तो अपन ने कंपेयर करने के लिए लिखा, अभी एग्जाम्पल आ रहा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 2Cl2 लेना पड़ेगा कि नहीं, अरे भाई वहां पर एक पाई बॉन्ड हटाने का था तो 2Cl आया ना, अब 2 पाई बॉन्ड हटाना है तो कितने लेना पड़ेगा, 4Cl, 2 2 4, 2Cl इधर 2Cl इधर, बोलो बोलो CH CH, Cl 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 Cl, टेट्राक्लोरो, 1 पे 2 क्लोरो, 2 पे 2 क्लोरो, क्या बोलेंगे, 1 1 2 2, कितने हो गए 4, कितने हो गए 1 1 2 2, टेट्राक्लोरो, कितने क्लोरो, अरे बोलो ना, टेट्रा क्लोरो, टेट्रा मतलब कितने, 4, टेट्रा क्लोरो इथेन, टेट्रा क्लोरो इथेन, या आप उसको नाम दे सकते हैं इथिलीडीन टेट्रा क्लोराइड। इथिलीडीन CH है ना, इसलिए समझा आपको, अरे समझा क्या, कुछ मुश्किल। अगर फॉर एग्जाम्पल उसने आपको एग्जाम्पल दे दिया, उसने बोला हाउ विल यू प्रिपेयर 1 1 2 2 टेट्राक्लोरोप्रोपेन, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेंशन लेंगे, फिर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे आप कि 1 1 2 2 टेट्राक्लोरोप्रोपेन क्या होता है, प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन, तो आप पहले 3 कार्बन बना लेने का, 1 2 3, उसके बाद बोलने का 1 पे 2 क्लोरो है, 1 1 डाइक्लोरो, 1 पे 1 क्लोरो, 1 पे 1 क्लोरो, मतलब कितने क्लोरो हो गए, 1 पे 2, फिर 2 पे भी 2 है ना, तो 2 पे भी 2 क्लोरो हो गया, 1 1 2 2, बाद में कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस करने का, यहाँ पर 3 बॉन्ड आ गए, चौथा कौन आएगा, H, यहाँ 4 बॉन्ड आ गए तो हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पर एक ही बॉन्ड है तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, 3, टोटल 4 चाहिए ना, बन गया 1 1 2 2 टेट्राक्लोरोप्रोपेन, बना क्या, तो सिंपल सी बात है ये चारों Cl बाद में आए ना, अरे मेहमान है ना वो, मेहमान गेस्ट है ना वो, मतलब पहले नहीं थे ना, अरे पहले थे क्या वो, नहीं थे, तो उनको निकाल दो, CH3CCH, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड, प्रोपाइन से बनाए, कैसे बनाए, प्रोपाइन 2Cl2 CCl4, लॉजिकली पूछ लेता हूं मैं आपसे, एक प्रोडक्ट है
टू टू थ्री थ्री टेट्राक्लोरो ब्यूटेन, टू टू थ्री थ्री टेट्राक्लोरो ब्यूटेन, ब्यूट टू वाई एन ई, बराबर है ना? अरे भाई टू टू फोर टू टू थ्री थ्री, जब चारों सीएल निकल जाएंगे तो बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा ना टू नंबर पे, क्योंकि टू और थ्री के बीच में है ना क्लोरो, इसलिए बनेगा ब्यूट टू वाई एन ई। समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। चलो हम आगे बढ़ते हैं।